ग्रुप्स के बारे में इंट्रोड्यूस कर चुके थे, अब हम बात करते हैं पीरियड्स की। तो यहाँ पर जो ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ये पीरियड्स हैं, तो यहाँ पर कितने पीरियड्स हैं, 1 to 7। हॉरिजॉन्टल रोज कितनी है, 1 to 7। अब फर्स्ट जो हॉरिजॉन्टल, अच्छा अब ये हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं वो क्या बताते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज बताते हैं जो हमने सर्कल पढ़े थे, याद आया आपको कि ये जो बीच में क्या था, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और जो ये सर्कल थे KL M, तो ये बताता है कि किस एलिमेंट में कौन सा सर्कल लास्ट है। जैसे कि के कौन से नंबर पे आता है, फर्स्ट पे आता है। तो यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट था, मतलब हाइड्रोजन और हीलियम में सिर्फ के है, हाइड्रोजन और हीलियम फर्स्ट हॉरिजॉन्टल रो में आता है, तो इसमें सिर्फ क्या है, के। सेकंड में देखिए आप कि इसमें, इसका मतलब क्या है, इसमें सेकेंड सर्कल भी प्रेजेंट है, तो एल शेल, इसमें कौन सा शेल है, एल शेल, ठीक है, इसमें एम शेल। तो इस तरीके से ये बताता है कि कौन से कितने सर्कल, जो सर्कुलर पाथ थे जिनको कि हम शेल बोलते हैं, और शेल को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में कौन बताता है हमें, पीरियड्स बताते हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए आप देखकर बता सकते हो कि इसमें हाईएस्ट कौन है, कौन सा नंबर है, 2। ये आगे जो लिखा होता है ना, आगे किसी SPBF के जो आगे लिखा होता है वो बताता है हमें शेल के बारे में। तो देखो यहाँ पर 1 है, 1 के बारे में 2, इसका मतलब ये कौन से पीरियड से बिलोंग करता है, सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है। तो हम चेक भी कर लेते हैं, देखो ये बेरिलियम दिखाई दे रहे हैं आपको, ये बेरिलियम है जो कि सेकेंड पीरियड से बिलोंग करता है। उसके बाद अगर हम बात करें, उसके बाद अगर हम बात करें मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम जो है इसमें देखो थर्ड सबसे, जो 1, 2 और ये 3, तो इसका मतलब ये कौन से पीरियड से बिलोंग करेगा, थर्ड पीरियड से बिलोंग करेगा। तो ये देखिए फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड, ठीक है, थर्ड नंबर, थर्ड वाली रोज में आ रहा है ये, तो ये थर्ड इसमें प्रिंसिपल, इसका 3 प्रिंसिपल नंबर है, मतलब इसके KLM में फिल होगा, इसमें लास्ट जो सर्कल है वो कौन सा है, M है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पीरियड्स का नाम, पीरियड्स हमें किसके बारे में बताते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मतलब उसकी शेल के बारे में बताते हैं, क्लियर है आपको। तो ये हो गए पीरियड्स कितने होते हैं, 1 to 7। सबसे छोटे पीरियड कौन सा है, सबसे छोटा फर्स्ट वाला है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 ही एलिमेंट आते हैं। सेकेंड और थर्ड में कितने एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। सेकेंड और थर्ड में, थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट आते हैं, जबकि फोर्थ और फिफ्थ जो है उसमें 18 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। फोर्थ एंड फिफ्थ में कितने हैं, 18 एलिमेंट। अब आता है सिक्स्थ और सेवन्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ जो है इसमें आते हैं 32 एलिमेंट्स, ये बड़े हैं। अब आप कहेंगे कि है तो एक ही सीरीज में, नहीं, यहाँ पर देखिए कि एक गैप दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर 57 to 71 एलिमेंट्स इसी एक जगह पर रखे गए, तो यहाँ पर नहीं आएंगे ये, इसलिए इनको अलग से रखा गया। ये नीचे जो दो रोज हैं ये क्या हैं, सिक्स्थ और सेवन्थ ग्रुप्स, सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड से बिलोंग करती हैं, जिनको कि हम बोलते हैं लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट पीरियड्स कौन से हैं, लार्जेस्ट पीरियड्स कौन से हैं, सिक्स्थ और सेवन्थ, जिसमें कि कितने आते हैं, 32 एलिमेंट्स इनमें आते हैं। तो 32 एलिमेंट्स में लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आती हैं, जिनको कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। अब एफ ब्लॉक का मतलब, अच्छा उसकी अभी बात करेंगे अपन। तो ये आपके बारे में, पीरियड्स के बारे में आपको क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कलरफुल दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है आपको कलरफुल। यहाँ पर देखो ये ऑरेंज कलर, ये येलो कलर, ये मतलब पिंक जैसा, पिंक भी नहीं बोलेंगे इसको, पीच कलर बोल लो इसको, ये पीच कलर है। उसके बाद ये थोड़ा डिफरेंट कलर है, या ये इसको आप ऑरेंज कलर बोलो, ये येलो कलर हो गया, और एक ये वाला हो गया। चार आपको ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं, ये वाला ब्लॉक, फिर ये बीच वाला ब्लॉक, और एक ये वाला पूरा ब्लॉक, और एक ये वाला ब्लॉक दिखाई दे रहे हैं आपको। तो ये देखो, इसको बोलेंगे अपन, ये जो दो लाइन है, दो कॉलम, दो वर्टिकल कॉलम है, दो ग्रुप है, इसको बोला जाता है एस ब्लॉक। क्या बोला जाता है, एस ब्लॉक। मैं यहाँ पर बना के बताती हूँ आपको थोड़ा। पीरियोडिक टेबल को यहाँ पर देखो, मैं बना रही हूँ 1 और ये 2 लाइंस,
उसके बीच में मैंने बनाई है ये ग्रीन लाइन बना रही हूँ मैं, उसके बाद ये मैंने बनाई है ब्लैक, और ये बनाई है मैंने नीचे दो लाइन ब्लू दिखाई। अब तो आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये जो दो लाइन है स्टार्टिंग की, ये कितनी हैं टोटल लाइंस, कितनी हैं 18 हैं, ये 1 to 18। तो ये जो दो लाइंस हैं ये कहलाती हैं एस ब्लॉक, ये जो बीच वाली है ये कहलाती है डी ब्लॉक, यहाँ से यहाँ तक, और ये जो ब्लैक वाली लाइन है ये यहाँ से यहाँ तक कहलाती है पी ब्लॉक, और जो ये यहाँ से यहाँ तक है ये कहलाती है एफ ब्लॉक। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि ये एस ब्लॉक, टी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक क्या है, क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है कि यहाँ पर इन, ये एस ब्लॉक का मतलब है कि आउटर मोस्ट जो शेल है, आउटर मोस्ट जो शेल, आउटर मोस्ट मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में भराई में आ रहा है, किस में फिल हो रहा है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में फिल होगा, एस में, एस सब शेल में फिल होगा, तो उसको हम किस में रखेंगे, एस ब्लॉक में रखेंगे। लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर पी में फिल होता है तो उसको किस में रखेंगे, पी ब्लॉक में रखेंगे, और अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आता है तो उसको डी ब्लॉक में, और लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एफ में आता है तो उसको एफ ब्लॉक में रखेंगे। चलो लेट्स चेक दैट दिस पीरियोडिक टेबल या व्हाटएवर आई सेड जस्ट बिफोर फ्यू मिनट्स, इट इज़ राइट और रॉन्ग, लेट्स चेक। तो बात करते हैं हम, यहाँ पर देखो कोई सा भी एलिमेंट ले लो, देखो आप पोटेशियम ले लेते हैं चलो, और बेरिलियम ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, और मैग्नीशियम ले लेते हैं, ठीक है। इनको मैंने किस में रखा है, एस ब्लॉक में रखा है, तो क्या ये सही है, ठीक है। देखो चेक करते हैं, हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पर, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 1s1। बेरिलियम आता है 4th नंबर पर, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, 2 and 2, 4। उसके बाद आता है हमारे पास पोटेशियम, पोटेशियम आता है हमारे पास 19 नंबर पर, तो यहाँ पर देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, ठीक है। उसके बाद मैग्नीशियम जो आता है हमारे पास 12 नंबर पर, इसका देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। देखिए यहाँ पर क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन s में फिल हो रहा है, बिल्कुल लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये देखो s, लास्ट इलेक्ट्रॉन s, लास्ट इलेक्ट्रॉन s, लास्ट इलेक्ट्रॉन s, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, पोटेशियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम में लास्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, और हाइड्रोजन में 1। तो क्या ये s में आ रहे हैं, बिल्कुल s में आ रहे हैं लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसलिए किस में फिल होंगे, s ब्लॉक में रखे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद p ब्लॉक में जो भी हैं उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आता है, इसलिए उसको किस में रखा गया, p में रखा गया, ठीक है। लास्ट इलेक्ट्रॉन p में आता है, चलो बात करते हैं p ब्लॉक में, p ब्लॉक में मैंने लेती हूँ, चलिए मैं p ब्लॉक में लेती हूँ, ऑक्सीजन ले लेती हूँ, एक फ्लोरीन ले लेते हैं और एक क्लोरीन ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर दिखा देती हूँ मैं आपको, ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा क्लोरीन, और ये रहा क्या लिया है, और मैंने ऑक्सीजन, क्लोरीन और फ्लोरीन, एक लिया है फ्लोरीन, ठीक है, ये फ्लोरीन। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये पी ब्लॉक में है, जो इधर वाला ब्लॉक है हमारे पास, ये पी ब्लॉक है। तो इसका बनाते हैं, इसका होता है 8, इसका होता है 8, इसका होता है 9 और इसका होता है 17। तो लिखते हैं चलो, ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, 2p4, ठीक है। इसका लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p, p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 6, तो 2p5, ठीक है। इसका लिखते हैं 1s2, 17 है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, हो गए 17, 5, 6, 7,
सेवन और सिक्स थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन हो गए टोटल। तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में फिल हुए हैं जिसमें कि फोर इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जिसमें कि फाइव इलेक्ट्रॉन है, लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जिसमें कि फाइव इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये किस में रखे जाएंगे, पी ब्लॉक में रखे जाएंगे। इस तरीके से ये हमारी पीरियोडिक टेबल बनाई गई है कि ये इसके चार ब्लॉक हैं, 1, 2, 3 और ये 4, ठीक है। ये एस ब्लॉक, ये डी ब्लॉक, ये पी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। तो ये इस तरीके से हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिनका जो कि बेस्ड है किस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप इस पीरियोडिक टेबल को देखकर ही बता सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अब हम स्टडी करेंगे थोड़ा थोड़ा समराइज फॉर्म में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के बारे में।